से लगभग लगभग 3 किलोमीटर आपको मिलेगा, एक अबैंडेंड विलेज है, बहुत कम लोग, 7-8-10 लोग ही रहते थे उसमें। तो ये बिष्णुपुर साइड से अचानक ऊपर की तरफ से आए हैं और ये एक हमारी कंपनी के लिए भी सरप्राइज था कि ऊपर से आकर के और कंपनी के छत पर इन्होंने रैंडम और रैपिड फायर करना एक साथ, तो हमारे लिए भी एक सरप्राइज था ये। और लेकिन हमारे लड़कों ने बहुत मुस्तैदी के साथ उसका जवाब दिया और इनको वापस भगा दिया। बस उस भगाने के अंदर अंदर में ये लोग किनारे वाले 2 घर को जला करके चले गए। इन्होंने बॉम्ब्स का इस्तेमाल भी किया है, लेकिन हमारे लड़कों ने इनको बेहतरीन मुस्तैदी के साथ भगाया है और सिचुएशन पूरी तरह हमारे कंट्रोल में। आप चाहें तो जाके वहाँ बात कर सकते हैं, जो सर्वाइवर्स हैं उनके, दे आर वेरी सेफ विद अस नाउ एंड CRPF इज ऑल कमिटेड टू solve the issue of Manipur and bring peace into it, and we promise that we'll stand by our commitment. Sir, कल कितने बजे की घटना घटी है और कितने लोग लगभग आप लोगों को? ये हमारे घटना थी लगभग शाम के 7-7:30 बजे की घटना थी और स्ट्रेंथ में आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकता, सॉरी। क्या लगा कि कहीं वो पहले से ये एरिया को उन लोगों? जी जी जी, ये पूरा प्लानिंग था, पूरा एरिया सीरा को प्लान करके किया गया है। सेना के ऊपर ही ये अटैक था या? हाँ हाँ, हमारे ऊपर ही अटैक था, ये बेसिकली हमारे ऊपर ही अटैक था। ये हमारे ऊपर ही अटैक था, शायद इनके पास हथियार वथियार की कमी थी, लेकिन हमसे ये पार नहीं पा पाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने CRPF और अन्य बलों को भेज दिया है, आप देखिएगा बहुत जल्दी आपको परिवर्तन नजर आएगा। कहीं चूक नहीं है, कहीं चूक नहीं है, चीज़ों को व्यवस्थित करने में थोड़ा समय लगता है, चीज़ों को सिंक्रोनाइज करने में थोड़ा समय लगता है, बस वही हो रहा है, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट्स दिखाई देंगे। कितनी बटालियन अगर आप लोगों का डिप्लॉयमेंट है? नहीं सर, डिस्क्लोज कर सकता। अलग अलग एरियाज हैं, अलग अलग स्ट्रेंथ है और हमारी स्ट्रेटेजी के अनुसार ये चीज। रेड जोन की अगर बात करें तो कौन से ज्यादा सेंसिटिव लग रहा है कि आप लोगों को और अलर्ट करना चाहेंगे सभी को? कोई अलर्ट की जरूरत नहीं, हम सब संभाल लेंगे, आप चिंता ना करें। हर सेंसिटिव हो या नॉन सेंसिटिव हो, सब जिम्मेदारी हमारी है, सब संभलेगा। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहेंगे सभी को? बस मणिपुर के लोगों से हौसला रखिए, हिम्मत रखिए, हम पर विश्वास रखिए, हम आपके साथ हैं, बहुत जल्दी आपको सारा परिवर्तन नजर आएगा।